पिछली बार कपिल भैया मैंने भजन गाया था श्याम भैया यहाँ पे, पर ईमानदारी से मुझे आप लोगों का तो प्यार मिला ही, पर आज जब मार्केट में निकला तो पता लगा कितने लोगों ने मुझे प्यार दिया इस पे। क्या पाया है दर तेरे आकर, किस किसने पाया है, ईमानदारी वाले हाथ ईमानदारी वाली आवाज हो। क्या पाया है तू जाने या, अब जब पूरी रात खाटू में कीर्तन करके जाते हैं एकादशी के दिन, दो दो दिन दुकान के ताले लगा के आते हैं साहब, हैं? दो दो रातें खराब करते हैं, दुनिया पूछती क्या मिलता है, अरे मैं बताऊं क्या मिलता है, मिलता है क्या तुझको रिझा कर, मिलता है क्या तुझको रिझा कर, तू जाने या, जोरदार आवाज में बोलो ना, मिलता है क्या, मिलता है क्या तुझको रिझा कर, तू जाने या मैं जानू, देखो समय का अभाव है इसलिए मैं दो अंतरे गाऊंगा, ताली बजाओ एक बार। क्या पाया है दर तेरे आकर, क्या पाया है दर तेरे आकर, तू जाने या मैं जानू, क्या पाया है दर तेरे आकर, तू जाने या मैं जानू, और मिलता है क्या तुझको रिझा कर, मिलता है क्या तुझको रिझा कर, तू जाने या मैं जानू, मिलता है क्या तुझको रिझा कर, तू जाने या। सबसे महत्वपूर्ण अंतरा वही गाऊंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। सोनू करे बस चर्चा तुम्हारी, हम तो करें बस चर्चा तुम्हारी, हम तो करें चर्चा तुम्हारी, और न गुण कोई खास है, और न गुण कोई पास है। जब से आपका गुणगान करने लगे ना श्याम भैया, क्या हुआ, एक महीने पहले जोहरी बाजार की किसी गली से निकल रहा था, एक छोटा सा बच्चा आया 15 साल 14 साल का, बोला भैया जय श्री श्याम। मैंने कहा जय श्री श्याम भैया प्लीज। मैंने पूछा बेटा क्या आप मेरे किसी रिश्तेदार परिचित के आप बच्चे हो, बोला नहीं अंकल मैं आपको नहीं जानता। फिर मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हो, बोला भैया इसलिए जानता हूं कि अभी आप 5 दिन पहले गोविंद देव जी के दरबार में ठाकुर जी को भजन सुना रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था भैया। तब ये लाइन सार्थक हुई, हम तो करें बस चर्चा तुम्हारी, हम करें बस चर्चा तुम्हारी, और न गुण कोई खास है, और उसके बाद काबिल हुआ हूं गुण तेरे गाकर, काबिल हुआ हूं गुण तेरे गाकर, तू जाने या मैं जानू, 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 तू जाने या।